वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीपो के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएसए ने एक रिपोर्ट जारी की है इसलिए न्यूज़ में आई। इसे 1967 में क्रिएट किया गया था, बनाया गया था किस लिए, ताकि जो क्रिएटिव एक्टिविटी है उसको इनक्रेज किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, और जो आईपी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसका प्रोटेक्शन को प्रमोट किया जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, मान लो किसी ने अपना दिमाग यूज करके, इंटेलेक्चुअल का मतलब है अपना दिमाग यूज करके कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती। मान लो कोई मूवी बनाई है, कोई फिल्म बनाई है, या फिर कोई सॉन्ग बनाया है, उसका कॉपीराइट मिल गया, तो उसे अपने नाम से कोई दूसरा दिखा नहीं सकता, बेच नहीं सकता, कहीं पर पब्लिश नहीं कर सकता। या फिर कोई दवाई बनाई है, मेडिसिन बनाई है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो जैसे डब्ल्यू टी ओ का ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स ये काम करता है, ऐसे ही ये क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जिनको प्रोटेक्ट करता है ये वीपो। वो कुछ मेजर ट्रीटी ऐसी हैं, एक है बूडापेस्ट ट्रीटी, ये करती है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज करती है ऑफ द डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पज ऑफ पेटेंट प्रोसीजर। जो भी पेटेंट पेटेंट प्रोसीजर के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट किए जाते हैं उनकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन करती है बूडापेस्ट ट्रीटी, एक संधि है। और किसको प्रोटेक्ट करती है ये वीपो, वीपो प्रोटेक्ट करती है पेरिस कन्वेंशन को। पेरिस कन्वेंशन किस पे है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन है ये, ट्रीटी है, संधि है, ये भी वीपो प्रोटेक्शन देती है इसको पेरिस कन्वेंशन को कि कोई कंट्री इसका उल्लंघन ना करे, वॉयलेशन ना करे। एक है बर्ने कन्वेंशन, ये किस लिए है, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए। जैसे मान लो कोई बुक लिख दी, बुक लिख के उसे चुरा के अपने नाम से उसे पब्लिश ना करे, ऐसे उसको प्रोटेक्शन कौन देता है, बर्ने कन्वेंशन। नेक्स्ट देखो, ये इतना भी पूछा जा सकता है, बर्ने कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, बूडापेस्ट किससे है, पेरिस कन्वेंशन किससे है, ये प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू मैड्रिड, मैड्रिड एग्रीमेंट। मैड्रिड एग्रीमेंट क्या है, एक ये मैड्रिड प्रोटोकॉल है उससे रिलेटेड है, मैड्रिड एग्रीमेंट समझौता। एक है वॉशिंगटन ट्रीटी, ये है इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वॉशिंगटन ट्रीटी है। एक है नैरोबी ट्रीटी, ये संधि नैरोबी किस लिए, जो ओलंपिक के सिंबल होते हैं ना, सिंबल ओलंपिक जो गेम होते हैं उसमें सिंबल यूज होते हैं कुछ, उन सिंबल को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई गलत तरीके से उनको यूज ना करे, इसके लिए है नैरोबी ट्रीटी। एक है मर्राकेश ट्रीटी, ये संधि किस लिए, ये इसलिए जो भी मान लो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है या पर्सन विद प्रिंट डिसेबिलिटीज, कोई मान लो विकलांग पर्सन है, दिखाई नहीं देता, वो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो कोई पब्लिश करता है वर्क, उसके वर्क को कोई चुरा के अपने नाम से बेचे ना, उसको प्रोटेक्शन के लिए है मर्राकेश ट्रीटी। अब ये वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड में एक जगह है जेनेवा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड यूरोप में एक कंट्री है। इसके मेंबर कितने हैं, 193 नेशन राष्ट्र है, इसके मेंबर हैं, सदस्य देश हैं वीपो के, और इंडिया भी इसका मेंबर है। इसके मेजर फंक्शन क्या हैं, मेजर फंक्शन ये हैं इसके कि जो इंटरनेशनल आईपी रूल्स हैं उनको रीशेप करना, बैलेंस करना, चेंजिंग वर्ल्ड के हिसाब से, जैसे जैसे वर्ल्ड बदलता जा रहा है उसी हिसाब से आईपी के नए नए रूल्स को सेव करना, बनाना, पॉलिसी बनाना, इसका काम है वीपो का। और जो आईपी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये जो भी डिस्प्यूट होते हैं इसके रिगार्डिंग, विवाद होते हैं उनको प्रोटेक्शन करना, ग्लोबल सर्विस देती है ये वीपो। जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आईपी को कनेक्ट करने के लिए, तो ये सब कुछ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और कॉपरेशन करता है वीपो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में, किसी को मान लो ट्रेनिंग देनी हो कुछ कल्चरल डेवलपमेंट या सोशल इकोनॉमिक ये आईपी यूज के लिए, तो ये सब कुछ इनेबल करता है कंट्रीज़ को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए। एक वर्ल्ड रेफरेंस सोर्स है फॉर आईपी इंफॉर्मेशन, इसका भी एक मतलब वीपो इसका प्रोटेक्शन करता है, फंक्शन है इसका वीपो का। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, देखो होती तो वही है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की, किसी ने मान लो ऐसी कोई प्रॉपर्टी बना दी, या तो वो इंटेंजिबल है, मतलब कैटेगरी होती है प्रॉपर्टी की भी, इंटेंजिबल क्रिएशन जिसे छू के नहीं देखा जा सकता, जैसे मान लो कोई मूवी बना दी, सॉन्ग बना दी, आप छू थोड़ी ना सकते हो, वो होती है इंटेंजिबल, और जो छू सकते हैं वो टेंजिबल हो जाएगी। तो ऐसा कोई ह्यूमन इंटेलेक्चुअल यूज करके बनाया गया है उसके लिए कॉपीराइट मिल जाता है, पेटेंट या ट्रेडमार्क मिल जाता है, ये सब ये होते हैं, उसे अधिकार मिल जाता है, उस नाम से वही बेच सकता है उसे, और वही उसे मतलब पब्लिश कर सकता है कोई भी, जैसे बुक हो गई, बुक के लिए कॉपीराइट मिल गया, या गाने के लिए कोई सॉन्ग बनाया, तो ये सब कुछ इसमें राइट होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं इन्हें। अदर टाइप के राइट होते हैं, जैसे मान लो ट्रेड सेक्रेट हो गया, या पब्लिसिटी राइट्स हो गए, मॉरल राइट्स हो गए, राइट्स अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन, ये सब अधिकार भी होते हैं इसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है हर साल 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को। कुछ और भी वीपो की ट्रीटी हैं वीपो से अलग, जैसे वीपो की ट्रीटी जो हमने देखी जिनको प्रोटेक्ट करता है वीपो,
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कुछ और भी TT हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, जैसे WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंडिया भी इसका मेंबर है WTO का, और WTO का मेंबर है तो इसके से भी कमिटेड है, ट्रिप्स के एग्रीमेंट को भी इंडिया मानता है। अब कुछ इंडियन लॉज हैं जो कवर करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कुछ लॉ बनाए हुए कानून। जैसे हैं 1999 का ट्रेडमार्क्स एक्ट, एक पेटेंट एक्ट है 1970 का, बहुत बार न्यूज़ में रहा है, इसको 2005 में अमेंड किया था, बहुत बार न्यूज़ में रहा है ये एक्ट। कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, तो ये पेटेंट एक्ट आपको ये याद रखना 1970 में पास हुआ था, इतना भी PCS के एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। एक डिज़ाइन एक्ट है 2000 का, और ये तो हर साल कितने हर महीने यूज न्यूज में रहता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का, इसके थ्रू GI टैग देते हैं। एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट है 2000 का। एक 2001 का है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ और फार्मर्स राइट एक्ट 2001। एक IT एक्ट है 2000 का। तो ये कुछ इंडिया के एक्ट हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करते हैं।